जापानीज लैंग्वेज एक्सप्रेशंस, ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको काइवा में भी यूज़ हो सकते हैं, जेएलपीटी में भी यूज़ हो सकते हैं, जेएलपीटी के बेसिक लेवल से लेकर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल अगर मैं कहूँ तो उसमें ये काफ़ी आते हैं। तो आइए चलिए पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हैं और साथ में हिंदी में ये भी समझते हैं कि इनको सेंटेंस में किस तौर पे किस इंटेंसिटी में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे निको निको, जिसका मतलब लिखा हुआ है टू स्माइल। अब स्माइल का मतलब होता है, देखिए वराइमास हमने सीखा हुआ है, लेकिन वराइमास हंसने से होता है इसका मतलब। निको निको होता है सिर्फ स्माइल करना, बहुत हल्की सी, बहुत ही मीनिंगफुल स्माइल किसी एक्सप्रेशन के तौर पे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कानाजो वाइट्समो निको निको स्टेरू, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा हंसती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो हमेशा स्माइल करती है, यानी कि उसका एक स्माइलिंग फेस है। तो निको निको स्टेरू आप याद रखिए काइवा में भी यूज़ होता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल नानी निको निको स्टेमास का, कि क्यों तुम हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो, या क्या रीज़न है, क्या मीनिंग है इसका। तो एक मीनिंगफुल स्माइल, यानी कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ, तब होता है निको निको। चलिए अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, नेबा नेबा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकी, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो टच करने से या उसको छेड़ने से वो पेस्ट की तरह से एक लॉन्ग मतलब लॉन्ग एक धागा जैसा हो जाता है, तो उसको कहते हैं नेबा नेबा, यानी कि बहुत चिपकने वाला, फिसलने वाला। और उसको अगर जैसे हम चम्मच से उठाएं तो बहुत लंबा सा एक धागा बन गया है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है नत्तो वा नेबा नेबा स्टेरू करा, जिन लोगों को नत्तो नहीं पता वो इस तरह से समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। नत्तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मतलब फर्मेंटेड बीन पेस्ट होता है, अगर आप इसका इंग्लिश में एग्जांपल देखेंगे तो। लेकिन इसको अगर आप नेट पर देखें वीडियो वगैरह या इसकी फोटोज़ वगैरह, तो ये ऐसा एक पेस्ट होता है जिसको उठा के खाने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लंबा खींचा हुआ आ रहा है, धागे धागे हैं, और ये एक टुकड़े में नहीं आ रहा है, लंबा पेस्ट की तरह है। तो नातो वा नेबा नेबा तेरू करा हमारी स्की देवानाई। तो नातो जो है वो बड़ा एक स्टिकी और बहुत ही एक फिसलन या पेस्ट जैसा एक खाने की चीज़ होती है, और मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, ये इसका एग्जांपल है। नेबा नेबा जो है वो जैसे कि नेबा नेबा अगर आप देखें स्किन पर, मैंने कोई दवाई लगाई है, ऑइंटमेंट लगाया है, और स्किन काफ़ी बेकार सी फिसलन जैसी हो गई है और बहुत ही चिपचिपा हो गया है, तो वहाँ पर भी नेबा नेबा यूज़ हो सकता है। और जो भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर आपको समझाए हैं उनको आप अलग अलग और भी जगह पर टेस्ट करके देखिए, तो इसकी और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सप्रेशन है हिजोनी। हिजोनी का सिंपल मतलब होता है एक्सट्रीमली, जैसे हिजोनी समुई, हिजोनी अत्सी, हिजोनी ओशी। ज़्यादातर ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है किनोवा हिजोनी समुकाता दिस, कल बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो हिजोनी जो है वो एक्सट्रीमली इसका मतलब होता है। और ये तोतेमो से भी, कनारी से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ को बताने के लिए होता है, जैसे हिजो नी उरेशिस, आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ कि खुशी का ठिकाना नहीं है। ज़्यादातर ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे हिजो नी मुजकाशी, बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव में यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इसको एक्सट्रीमली के तौर पर समझ लीजिए तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आगे बढ़ते हैं पिका पिका। देखिए हमने जिन्होंने बेसिक और थोड़ा सा इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है उन्होंने किरा किरा भी एक एक्सप्रेशन उसको सीखा होगा, इसका भी मतलब होता है चमकना। किरा किरा का मतलब होता है टिम टिम, जैसे सितारे टिम टिम आ रहे हैं, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं, तो उसमें भी किरा किरा आता है। उसकी अंगूठी जो है वो चमक रही है, तो किरा किरा आता है, यानी कि कोई चीज़ स्पार्कल कर रही है, एक स्पॉट है और तारे सितारे की तरह एक वो चमक रहा है, तो उसको किरा किरा कहेंगे। सिमिलरली पिका पिका होता है, लेकिन पिका पिका ज़्यादातर किसी सरफेस के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है आसा सोजिश्ता कारा कुरुमागा पिका पिका नी मिगाई तेरू, आज सुबह मैंने सफाई करी है इसलिए मेरी कार बहुत ही चमचम चमक रही है। तो ये वो वाले चमकने वाले शाइनिंग स्पेसेस वगैरह के लिए आता है। पिका पिका किरा किरा कभी कभी रिप्लेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किरा किरा उन चीज़ों के लिए आता है जो कि एक स्पॉट है, जैसे कि अंगूठी मैंने एग्जांपल दिया, सितारे। पिका पिका ऐसे ही आता है जैसे मैंने शूज़ पॉलिश करे हैं तो पिका पिका ही करते रहूँ, यानी कि बहुत ही चमचम चमक रहे हैं, इस तरह से स्पार्कल करना या ग्लिटर करना पिका पिका का असली मतलब होता है। तो इसी तरह से आप इन एग्जांपल्स को और भी जगहों पर यूज़ कीजिए और नेट का भी पूरा सहारा लीजिए, ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, इनको काइवा में भी यूज़ कीजिए। ऑल द बेस्ट।